तेरे बने से तेरे बने का भंग होता है, तेरे मना दो आत्मा के लिए या एक आत्मा के लिए। चढ़ती कला पहले एक की होगी कि सबकी होगी? पहले एक को बाद में सबको। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन गाया हुआ है, तो किसके लिए है? पहले माताओं की दुर्गति की है ना, तो माताओं कोई पहली माता होगी जिसकी सबसे ज्यादा दुर्गति हुई होगी, जो पहले नंबर की सीता हो वो पहले नंबर रावण की जेल में होगी, तो जिसकी जास्ती दुर्गति उसकी पहले सदगति होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। ओम शांति। आज है 21 अक्टूबर 2005 की अभ्यक्तवाणी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष तीन संबंध याद रहते हैं, कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु। वैसे बच्चों के भी तीन रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं। सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं। हजारों लाखों की तादाद में जो ज्ञान में चल रहे हैं, बेसिक में या एडवांस में, वो सब ब्राह्मण के रूप में है? सब ब्राह्मण है? दोनों प्रकार क्या? वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, और रावण कुंभकर्ण जैसे ब्राह्मण। सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं, और ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज, जो उन ब्राह्मणों की बात हो रही है, जो ब्राह्मण सो लास्ट स्टेज, ब्राह्मण सो फरिश्ता है, फिर फरिश्ता सो देवता है, माना? उनकी तो बात ही नहीं। किन की? जो रावण कुंभकर्ण की कैटेगरी के ब्राह्मण है उनकी तो बात ही नहीं। जो फरिश्ता रूप में है माने फर्श की दुनिया वालों से जिनका रिश्ता कट हुआ पड़ा है, फर्श की दुनिया के रिश्ते कौन कौन से होते हैं? देह और देह के जो भी संबंध हैं, देह से कनेक्टेड वो सारे ही संबंध हैं। कट माने लौकिक दुनिया के जो संबंध हैं, जिन्हें लोहे की जंजीर कहा जाता है, उस लोहे की जंजीर से मुक्त है बिल्कुल, और साथ साथ अलौकिक दुनिया में देह के संबंध नहीं जुटते क्या? अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी जुटते हैं, तो संबंध तो वो भी है। तो संबंध होने के कारण अगर ऐसे संबंध भी हैं जो सोने की जंजीर वाले हैं, तो वो भी फरिश्ता बनने नहीं देते। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चों की बात है, चारों ओर के बच्चे तो हैं, लेकिन कौन से बच्चों को देख रहे हैं? हैं? ऐसे ब्राह्मण सो फरिश्ता बच्चों को देख रहे हैं जो फरिश्ता से देवता बनने वाले हैं।
बेसिक में तो ढेर के ढेर है, एडवांस में कुछ हजार की तादाद में कहेंगे तो क्या सब है? सीधा ही पहुंच गए। पल्ला झाड़ के एकदम बोल दिया, हाँ अपने बस का रोग नहीं है, जाओ अष्टदेव में जाओ। फिर फरिश्ता सो देवता रूप, और फरिश्ता सो देवता रूप है ऐसे नहीं कहा, फरिश्ता सो देवता रूप हो। क्या बोला, किससे बात कर रहे हैं? हैं? देवता बनने वाले कौन? फरिश्ता माने फर्श की दुनिया वालों से कोई उनका रिश्ता नहीं है, और फरिश्ता अभी है और आगे आने वाले समय में देवता बनने वाले हो। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, वर्तमान मन सन 36 वाला नहीं, 36 से 47 वाला जीवन नहीं, स्वर्ग का सैंपल तो वहां भी बना था। जैसे अजमेर में भक्ति मार्ग वालों ने बनाया है, फिर माउंट आबू में आ गए, ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे, मम्मा बाबा जीवित रहे, वो भी नहीं, उससे भी विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन माना। दूसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष हुई, और दूसरी मूर्ति का कार्यकाल भी पूरा हुआ, उस समय भी नहीं, कब? वर्तमान में माना 2005 की बात हो रही है। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है। जो नवरत्न होते हैं उनकी कीमत नहीं आंकी जाती है, नवरत्नों की तो कीमत आंकी जाती है, लेकिन ये तो सारे हीरे हैं या नंबरवार नवरत्न है? हीरे हैं, बहुत स्लाइट अंतर है जो देखने से पता भी न चले। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी। प्योरिटी माना, प्योरिटी माना क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है, प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, और प्योरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन की नेचुरल और नेचर होगी, और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता, ये क्वालिटी हो। फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, देवताओं के रिश्ते नहीं होते हैं क्या है? देवताओं के तो रिश्ते होते हैं। फरिश्ता सो देवता बनता है,
तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, ये तीन रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। कहां? माउंट आबू के हाल में बैठे बैठे देख रहे हैं सभी बच्चों का है? सूक्ष्म वतन का समाचार सुना रहे हैं। आप सभी को अपने तीन रूप सामने आ गए, आप सभी को वो फरिश्ता सो देवता जो बनेंगे, फरिश्ता भी हैं, वो फरिश्ताई रूप सामने आ गया, ब्राह्मण तो बन गए। अभी अभी क्या बनना है? अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। इस फर्श की दुनिया वालों से कोई कोई रिश्ता नहीं, यही लक्ष्य है ना? लक्ष्य है फरिश्ता बनना ही है। चेक करो फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती हैं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं, फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का फुल्का, हल्की चीज अच्छी लगती है बा बोझ वाली चीज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना? फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो, सर्व का प्यारा भी हो और सबसे न्यारा भी हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा हो उतना ही न्यारा हो। फरिश्ता की निशानी है वो सर्व का प्रिय होगा। फरिश्ता की निशानी सर्व का प्रिय होगा, सर्व का प्रिय होगा। और फरिश्तों में से दो चार को दीदी दादी दादाओं के सामने ले जाके रख दिया जाए है तो प्यार करेंगे है? नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। क्योंकि उन फरिश्ताओं के बारे में ही बोला हुआ है कि इन दादियों का श्रृंगार किया हुआ है, तो आदि में श्रृंगार किया हुआ है तो अंत में भी श्रृंगार करेंगे। काहे से श्रृंगार करेंगे? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। तो फरिश्ता की निशानी है सर्व का प्रिय होगा, जो भी देखेंगे क्या कानों से सुनेंगे, सो नहीं बताया, देखेंगे जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आवेंगे। संबंध में कैसे आया जाता है? साकार रूप में संबंध होता है ना, इंद्रियों से ही संबंध होते हैं ना, मनोदृष्टि के संबंध में ही आए। तो जो भी संबंध में आएंगे अथवा संपर्क में आएंगे, संबंध गहरा होता है और संपर्क थोड़ा हल्का होता है,
तो जो भी संबंध संपर्क में आवेंगे वो अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं, मिसाल किसका दिया? बाप का। अनुभव करते हैं, करते थे या करते हैं? बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हैं ना। ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे ये मेरा है, अपना अपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन प्रिय बनाए देता है और सबका प्रिय बनाए देता है। कोई बातचीत करता है उलट पुलट बोलने लग पड़ता है, कोई गलत फहमी पहले से भरी हुई हो सुने सुनाए आधार पर तो ग्लानी करने लग पड़ता है, तो फरिश्ता क्या करेगा? हल्का फुल्का रहेगा या भारी हो जाएगा, मुंह लटक जाएगा? हल्का फुल्का रहे। तो ऐसी उसकी स्थिति को देख करके सामने वाले के ऊपर तुरंत असर पड़ेगा। तो हल्कापन सबका प्रिय बनाए देता है, सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे। क्या एक दो अनुभव न करे, हजार दो हजार अनुभव न करे, सारा ब्राह्मण परिवार? सारा ब्राह्मण परिवार कितने होते हैं? ब्राह्मण 9 लाख है? 9 लाख 9 लाख ब्राह्मण होते हैं? 16,108 ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण माना क्या? 9 लाख जो है प्योरिटी का पुरुषार्थ करेंगे, जो प्रजावर की आत्माएं हैं वो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करेंगी? वो तो नहीं करती। तो कितने होंगे? जो राज परिवार की आत्माएं हैं, राजयोग सीखने वाली हैं, उनकी बात। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि ये मेरा है, भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ते का अर्थ ही है डबल लाइट। कौन कौन सी डबल लाइट है? एक प्योरिटी की लाइट और दूसरा लाइट होती है जिम्मेवारी, ज्ञान की लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में बेहद हो, हद में बंधा हुआ नहीं हो, हद नहीं हो, सब अपने हैं और मैं, सब अपने हैं और मैं, बाप का हूं, मैं सबका हूं। जो बाप का है तो जो बाप सबका, तो मैं भी सबका। जहां ज्यादा अपमान होता है ना, क्या जहां ज्यादा अपमान होता है ना वहां हल्का पेन ठहरता है। देखो कोई हमारे सामने ही हमारी ग्लानी करे, अपमान करे, तो सामान्य आदमी को तो गुस्सा आ जाएगा ना, और फरिश्ता को? अगर फरिश्ता ही स्टेज में होगा तो गुस्सा नहीं होगा। फिर जहां ज्यादा अपनापन होता है वहां हल्कापन होता है। क्या कोई हमारी ग्लानी भी कर रहा है लेकिन हम देखते हैं कि उसमें हमारा अपनापन जुड़ा हुआ है, तो ग्लानी भी हमको
बुरी नहीं लगती। संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कि कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे, चेक करना आता है। चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक। किसको बोला चेकर बन गए हो, मेकर बन गए हो? काहे के मेकर? नई दुनिया के मेकर, विश्व नवनिर्माण के मेकर बन गए हो, टाइटल मिला हुआ है। बाप दादा ने आप सबके होमवर्क की रिजल्ट देखी, होमवर्क की रिजल्ट लिखी है ना सभी ने, तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आस है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना, कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजोरिटी की 75% स्टेज जरूर होनी चाहिए। सातों ही बातों में, कोई किस में कम है, कोई किस में कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो महारथी समझते हैं अपने को, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। पांडव बताओ, होनी चाहिए। चलो थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। क्या समझती है दादियां? 95% में है। आगे लाइन वाले क्या समझते हैं? 95% है और आपकी कितनी होनी चाहिए? 75%। आप भी 75% समझते हो? अच्छा, कल विनाश हो जावे तो 21 अक्टूबर 2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज 75% में जाएंगे। 75% होगा तो 111 में नहीं आवेंगे। क्या 75% में अगर होगा तो संबत 111 में नहीं आवेंगे। माना माना दूसरा 84 जन्म तो होंगे लेकिन पूरा चक्कर में से कुछ समय कट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? चलो बाप दादा, आज के दिन आज विशेष है ना। कौन सा दिन? 21 अक्टूबर। आज विशेष है ना, तो आज के दिन को बीती सो बीती करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो कल से 75 कह रहे हैं ना, तो चलो 95 नहीं 85 तक तो आएंगे। परसों अगर विनाश करें तो 85 तक होंगे, पीछे वाले होंगे? हाथ उठाओ। अच्छा, 85% होगा। कोई ने कह दिया 98% तक है। मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन रख लो।
खा लो क्योंकि देख रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना तो है ही, हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गेंगे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लो। कोशिश करेंगे, अभी ये भाषा परिवर्तन होनी चाहिए। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंटेज निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो, पहले चेक करो फिर कर्म में आओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, होने दो। नहीं, जो VVIP होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी, पहले चेकिंग फिर कदम। क्योंकि आप तो षष्ठी ड्रामा के आजकल के VVIP जो हैं वो तो एक जन्म के हैं, वो भी थोड़े समय के लिए हैं, और आप तो पूरी षष्ठी के ड्रामा के VIP हो। ब्राह्मण सो फरिश्ते कितने भी वीवी लगा दो उतने हो। देखो आप अपने आगे VVV लगाते जाओ, अपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं है? ये क्या बात हुई? किसने देखे हैं किसने नहीं देखे हैं? या किसी ने मंदिर देखे हैं है? अरे इस सभा में किसी ने मंदिर देखे हैं नहीं देखे हैं है? किसके मंदिर है? बाप के मंदिर ये तो एक बाप दूसरा न कोई हो गया। अपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, क्या बोला? अपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, देखे यहां किसने किसने देखे? बंदर का चित्र देखा है, हनुमान का चित्र है। अपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं वो देखे हैं ना। चलो मंदिर नहीं देखे, ऐसे कौन से हैं अपने चित्र जो देखे नहीं है, मंदिर नहीं देखे हैं, उनके फोटो तो देखे हैं। अरे कोई देवता ऐसे होते हैं जिनके फोटो देखे जाए लेकिन मंदिर न देखे जाए? मंदिर होंगे तो जरूर क्योंकि बोले हैं, लेकिन बाय चांस देखे नहीं है, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उनों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, और आपका चित्र जो है वो तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना आपकी वैल्यू है, जड़ चित्र की भी वैल्यू है ना? आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है? मंदिरों की तरफ
जहां वो चित्र रखे हुए हैं उनकी तरफ भी इशारा कर दिया। कि लंबी क्यों लगती है और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो तो कदम उठाने के पहले चेक करो। करने के बाद चेक किया वह कदम तो गया, ऐसा कदम फिर आपके हाथ में नहीं आवेगा वापस। अज्ञान काल में भी कहते हैं सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं, पहले सोचो फिर करो। तो अपने समान की सीट पर रहो, जितना पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती है? किसकी अपोजिशन हो रही है? माने जिनसे बातें कर रहे हैं उनकी अपोजिशन भी बहुत हो रही है, शुभ हो गया। एक ही बात हो रही है, सुबह हो तो बात ही कर रहा है या ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहा है? बाप दादा बात कर रहे हैं ना, किससे बात कर रहे हैं? हैं? अष्टदेवों से। उनके मंदिर देखने में स्पेशल नहीं आते, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहां लंबी लंबी क्यू लगती है वहां अष्टदेवों के चित्र रखे हुए होते हैं। तो बताया जितना आप पोजीशन में रहते हो तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माना जो भी अष्टदेव बनने की लाइन में खड़े हुए हैं उनकी इस समय अपोजिशन भी बहुत हो रही है। कौन कर रहे होंगे अपोजिशन? हैं? स्वधर्मी कर रहे होंगे या विधर्मी कर रहे होंगे? जो अपोजिट खून का होता है तो विरोध भी करता है। सत्युग में अपोजिट खून नहीं होता था और कलयुग में भय वर्ण संकर समय खून मिक्स होने लगते हैं तो अपोजिशन भी बहुत होता है। एक ही परिवार में कितना ढेर अपोजिशन। तो जितना पोजीशन में रहते हो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हो। माया की अपोजिशन और मायावियों की अपोजिशन उसमें क्या अंतर है? माया अपोजिशन करती है या मायावी अपोजिशन करते हैं? बहुत टाइम माया अपोजिशन करते हैं, थोड़ा टाइम माया भी अपोजिशन। अरे माया भी तो कोई ना कोई रूप में आती होगी। हवा के रूप में आती है क्या? नहीं। कोई ना कोई रूप धारण करके आती है, तो जो रूप धारण करके आते हैं वो ही माया भी हो गए। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजिशन में नहीं रहते हो। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है, सबको लक्ष्य है तो हाथ उठाओ, संपूर्ण बनना है। अच्छा कब तक, कब तक बनना है? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? क्वेश्चन होता है ना। तो आज बाप दादा जो विशेष टीचर्स हैं उनसे पूछते हैं। कौन से विशेष टीचर्स?
विशेष कहकर किस तरफ इशारा किया? विशेष टीचर्स है ना, उनसे पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हैं ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए है? 30 वर्ष पहले कौन सा सन था? अरे 76 की बात हुई ना, माने जो पुराने पुराने टीचर्स हैं एडवांस पार्टी के, उन्हीं की बात हुई ना। तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग सीटिंग मीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि कब तक संपन्न बनेंगे, और सब फंक्शन मनाते हो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, मेगा प्रोग्राम बनाते हैं तो डेट फिक्स करते हैं, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, डेट फिक्स करते हो ना, इसकी डेट क्यों नहीं फिक्स की है? जितने साल चाहिए उतने बताओ, डेट फिक्स करने के लिए कितने साल चाहिए? क्यों बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति प्रश्न पूछती है, सबसे बड़ा विनाश कौन करेगा? प्रकृति प्रश्न पूछती है कब तक विनाश करें, सात दिन में कीड़े मकोड़ों का विनाश हो जाएगा? तो बाप दादा क्या जवाब दें? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्वशक्तियां सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण और सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क चारों में ही, चार में से अगर एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना, कौन कौन सी चार बातें? मनसा वाचा कर्मणा में आता है, संबंध संपर्क में आना, चारों ही बातों में। ऐसे नहीं मनसा वाचा में तो हम ठीक हैं, लेकिन संबंध संपर्क में थोड़ा डॉट डॉट सुनाया ना, जिसके सामने भी जाएं, चाहे जिसके भी संपर्क में जाएं, वो अनुभव करे, क्या अनुभव करे? ग्लानी करने वाला हो या प्यार करने वाले, उन्हें मिलेंगे नहीं जल्दी
परीक्षा होगी पूरी, उन्हें अनुभव हो कि ये मेरा है। 21 अक्टूबर 2005 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज, जो मेरे होते हैं उनके ऊपर हुज्जत होती है ना। दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन आ जाता है कि ये मेरा है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं, सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के या सेंटर में हल्के, तो जोन के राजन भजन बनेंगे या सेंटर के राजन बनेंगे? विश्व महाराजन नहीं बन सकते, और न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे। राजधानी में रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है, राज्य का राज्य अधिकारी होता है ना, नंबरवार अधिकारी होते हैं ना, तो क्या करेंगे? कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना, इसके लिए मीटिंग करेंगे। अच्छा, मीटिंग करके फाइनल करना, ठीक है। अच्छा, सभी ठीक है, उमंग आता है कि करना ही है, होना ही है। बाप दादा उमंग उल्लास दिलाता है, माया देखती है उमंग उल्लास में है तो कुछ न कुछ कर ही लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक है। किसका? माया का। तो अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वो सारे ही यूज कर देती है, और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते हैं कि ये माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है। माना बाप समान बनने की माया एक्टिंग अच्छी कर लेती है, तो समझने में मिक्स कर देते हैं। ये फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द ही हैं। जो कॉमन शब्द हैं, मुश्किल भी नहीं है और सभी यूज भी करते हैं अनेक बार, वो क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है, इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की विधि बताई है, याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने मैं हूं ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने कौन आ जाए? मैं आत्मा। अपने आत्मिक रूप को सामने लाओ। मैं शब्द ऐसे नहीं बोलो, मैं आत्मा, इस तरह बोलो। ये नेचुरल स्मृति में लाओ, मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रूमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, मेरा वह, मेरी यह, मेरा वह नहीं, लेकिन पहले मेरा बाबा।
तो मेरा शब्द बोलो बाबा सामने याद आए, मैं शब्द बोला आत्मा सामने आई। यह नेचर और नेचुरल बनाओ, ये बात सहज है ना या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना तो 100% में है और मानना परसेंटेज में हो जाता है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या? बॉडी को याद करना पड़ता है कि मैं बॉडी हूं, नेचुरल याद रहता है ना। तो मैं शब्द मुख के पहले संकल्प में आता है ना, तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने आए। सहज नहीं है तो अभ्यास करना, सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना, तो पक्का हो जाएगा, है ना पक्का? दूसरे को भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो मैं आत्मा हूं, आत्मा का संसार बाप दादा, आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल है। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, तो अभी ये एक्सरसाइज करो, मैं आत्मा मेरा बाबा, क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को तीव्र नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी समय के प्रमाण जो जड़ समय है वो तेज जा रहा है, और जो जड़ प्रकृति है वो भी एवर रेडी, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद प्रलय क्या होगी? होगी प्रलय? स्थापना नहीं होगी तो प्रलय भी नहीं हो सकती। होनी है प्रलय, कि विनाश के बाद स्थापना होनी है, तो स्थापना के निमित्त बने हुए हो। अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दो शब्दों को अंडरलाइन करना है। निमित्त हूं और निर्माण भाव में रहना है, इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हूं निर्माण स्वभाव, जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो सबका प्यारा बन जाता है, और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। 21 अक्टूबर 2005 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, सुभावना, भाव और भावना दो चीजें होती हैं।
तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना हर एक के प्रति सुभावना और शुभकामना। कोई कैसा भी हो, आपके निमित्त निर्माण भाव और सुभावना ऐसा वायुमंडल बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूढ़ियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने एक मास से सुभावना रखी फिर भी वह बदलता ही नहीं है, फिर थक जाते हैं, एक मास में ही थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी उस बिचारी की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो तो है ही पत्थर जैसी है, किसकी तरफ इशारा किया है? अरे कोई पार्टधारी है ड्रामा में? पत्थर बुद्धि कौन है? अहिल्या पत्थर बुद्धि। ऐसे जो अहिल्या की तरह पत्थर बुद्धि है उनकी दृष्टि और वृत्ति चेंज होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है तो आप तो अपने को ठीक रखो ना। वो एक महीने में नहीं बदला, टाइम लगा दिया, लंबा टाइम लगा दिया, तो फिर आप ही बदल गए। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना, आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं बनो। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं भी उसके साथ बदलने वाला नहीं हूं। मैं अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव कायम रखूंगा। दिल शिकस्त हो जाना वह पावर हुआ, पावरफुल हुआ या आप पावरफुल हुए? उसने हमको दिल शिकस्त कर दिया तो हम तो कमजोर हो गए ना। उसने आपको बदल दिया, दिल शिकस्त बनाई दिया। आप अपने सुमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठाना। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खोला? वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो? मर्सीफुल होकर के वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़ करके क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? कौन सी सीट है? स्वमान की सीट। क्या है स्वमान? स्वमान की छी सीट को छोड़कर दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, याद रखा ना। पोजीशन से नीचे नहीं आओ। फिर अगर देखो बहुत अपोजिशन हो जाती है तो आप उतनी ही जास्ती पोजीशन में टिको। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है ना, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है, इसलिए आप पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे याद है? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाप के आगे अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा के सामने अपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाप के आगे अपोजिशन नहीं हुई क्या? माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ दी क्या? नहीं छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बना ना। तो अभी एक दो को अपने को
फरिश्ता समझ करके चलो, मैं फरिश्ता हूँ, सब फरिश्ते हैं, न मेरा पुराने संस्कार संसार और संस्कार से नाता है, न इन कोई ब्राह्मणों का है, बस खत्म। यह भी फरिश्ता, वो भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, ऐसा वायुमंडल फैलाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हैं तो डबल नशा चढ़ाए रहे हैं। कौन चढ़ाए रहे हैं? बाप दादा। किसको चढ़ाए रहे हैं डबल नशा? डबल फॉरेनर्स। अच्छा, आज चांस मिला है ना, ये भी देखो भारतवासियों की सहानुभूति है आपसे, भारतवासियों की किससे सहानुभूति है? डबल फॉरेनर से। आपको चांस दे करके खुद नीचे बैठे हैं। कौन? भारतवासी खुद नीचे बैठे हैं और ऊपर किसको बैठा दिया? डबल फॉरेनर्स कैसे ऊपर हो जाएंगे? है? कैसे? अष्टदेव तो ऊंची स्टेज है ना, और 108 जो 8 है वो तो ऊंची स्टेज हो गई, बाकी 100 वो तो नीची स्टेज हो गई। तो आपको चांस दे करके खुद नीचे बैठे हैं। देखो, नीचे बैठने वालों को बाप दादा त्याग का भाग्य जमा कर ही रहा है। अच्छा, अभी क्या करना है? सभी जैसे अभी अभी बहुत मीठा मुस्कुराए रहे हो, ऐसे ही सदा रहना। कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कराओ जरूर, आपके मुस्कराने से उसका आधा दुख दूर हो जाएगा। चैट बिगिन सेट होम, किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कराता चेहरा हो और रूहानी गुलाब हो, रूहे गुलाब, सीरियस हो करके नहीं बोलो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं, मुस्करा के बोलो। तो मुस्कराने का स्टॉक है आपके पास, खत्म तो नहीं हो गया। मुस्कराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, और जोश वाला चेहरा दूसरा देख के ही हट जाना चाहता है, और मुस्कराने वाले चेहरे के नजदीक आना चाहेंगे। तो आपको अभी का मुस्कराता हुआ चेहरे का फोटो निकाल करके देवे, वो फोटो अपने साथ रखेंगे, कागज का फोटो रखेंगे या दिल का फोटो रखेंगे? अच्छा, 76 देशों से आए हैं, कई ग्रुप हैं, जैसे सर्व अफ्रीका कोर ग्रुप अच्छी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा को समाचार मिला था कि निर्विघ्न फास्ट सेवा हो रही है। क्यों निर्विघ्न फास्ट सेवा क्यों हो रही है उनकी? एडवांस पार्टी की जो प्लानिंग पार्टी है उसमें माया बार बार विघ्न क्यों डाल रही है अभी तक? क्योंकि लंगड़े हैं। जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है, क्या संदेश? संदेश कौन सा होता है, हैं? अरे क्या संदेश देना है? बाप के समान, हैं? बाप का परिचय देना है कि बाप आया हुआ है, बाप चला नहीं गया, बाप अपना कार्य पूरा करके जाएगा। तो जैसे अफ्रीका ने संदेश देने का फास्ट किया है तो ताली बजाओ। किस बात में ताली बजाओ?
कि जो काम हम नहीं कर सके हैं वह काम, हाँ कोई विशेष सहयोगी निकल रहे हैं जो पूरा कर रहे हैं, मुबारक हो। ऐसे सभी को करना आवश्यक है। प्लान बनाओ, सेवा का प्लान बनाओ, लेकिन सेवा करो तो बोझ वाली सेवा नहीं करो। कई बच्चे सेवा के बाद इतने थक जाते हैं तो चाहते हैं कोई मालिश पालिश वाला हो, लेकिन यथार्थ सेवा वह है जिसमें खुशी मिले, हल्कापन हो, क्योंकि प्राप्ति होती है ना। ओम शांति।